हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोम्स आईएएस। सो जैसा मैंने आप सबसे कहा था, आज से हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं और टिल देन जब इकोनॉमिक्स ख़त्म होगा उसके बाद हम पॉलिटी या फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे। ओके, तो आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा, आज होगा चैप्टर फर्स्ट। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज, वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है जीडीपी, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, ओके, एंड देन है डिफ्लेटर, ओके। डिफ्लेटर के बाद है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेजरिंग जीडीपी, प्लीज साथ साथ नोट्स बनाते रहना सो दैट कि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप रमेश सिंह फॉलो कीजिए, नहीं तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, बात कोई दिक्कत वाली नहीं होती है, बस रिपीट करने के ऊपर है यार दोस्त, आप किस तरीके से रिपीट करते हो। जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट कहावत भी है, बहुत टॉपर्स ने भी इस डायलॉग को मारा है, वी शुड रीड वन बुक 10 times रादर देन रीडिंग 10 books वन टाइम, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग किताबें पढ़ते रहेंगे और उससे आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। आप एक को पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बॉस, प्रीलिम्स तो कुछ भी नहीं है बॉस, मेंस के आंसर ऐसे बनेंगे चुटकियां बजाते हुए, ठीक है। थोड़ा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है साथ में, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद ट्रांसफर पेमेंट, ओके, ट्रांसफर पेमेंट के बाद यहाँ से लिख देता हूँ GNP क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, फिर NDP क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, फिर नेट डोमेस्टिक NDP क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, है ना। फिर जो नेक्स्ट चेंजेस आए हैं, चेंजेस इन GDP कैलकुलेशन, जो चेंजेस आए हैं जीडीपी कैलकुलेशन में वो क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एक और है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे, आगे नहीं खींचेंगे इसको, ओके। एक गिनी कोफिशियंट, ओके, गिनी कोफिशियंट। अब आपको डाउट होगा कि ये गिनी कोफिशिएंट क्या है, कभी सुना नहीं। गिनी कोफिशिएंट में एक प्रकार से इनइक्वालिटी का मेजरमेंट किया जाता है, ओके। सो गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं उसको। समटाइम लोगों को मैंने इसको जिनी कोफिशिएंट बोलते हुए भी सुना है, बट आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। और लास्ट में हम बात करेंगे ग्रीन जीडीपी का, है ना। ये क्या इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ली है और इससे हमारे मदर अर्थ को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे,
ओके तो चलो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके तो सबसे पहले देखो, जब हम ये पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे आप कुछ क्वेश्चंस का बहुत इजीली जवाब दे पाओगे, है ना। वो क्वेश्चंस क्या क्या है, मान लो कि अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चंस लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन जीडीपी, जैसे इसमें टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था, है ना। व्हाट आर द टॉपिक्स चेंज इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, है ना, कौन कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं जीडीपी के कैलकुलेशन में, राइट। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। दोनों को सेम मत समझ लेना, इसमें गलतियाँ करते हैं बहुत, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम बॉस। ये तीन ऐसे मेजर क्वेश्चंस हैं जिसका आप जवाब दे पाओगे जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ओके सो नॉट फर्दर डिले, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी डी पी। ओके जीडीपी क्या है, आपको इसके नाम से समझ में आ जाएगा, ग्रोथ, ग्रोथ तो कंप्लीट कर दिया हमने, है ना। ग्रोथ है, ये क्वेश्चन अलग है, ग्रोथ या डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। तो अभी हम बात करें जीडीपी का, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ओके। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जब किसी भी वैल्यू को बिना किसी कट के प्रेजेंट किया जाए वो होता है ग्रॉस। फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस किया है और बिजनेस में ओवरऑल जो आपका बेचने के बाद जो प्राइस इकट्ठा हुआ है, जो पैसा इकट्ठा हुआ है, अभी आपने उससे रेंट नहीं दिया, सैलरी किसी को नहीं दी, राइट। बेसिकली जो भी आपका मोटा मोटा पैसा आपके हाथ पे आया है उसमें से कुछ कट जाना है, वो सैलरी के रूप में भी जा सकता है, रेंट के रूप में भी जा सकता है, टैक्सेस के रूप में भी जा सकता है। जो ग्रॉस अमाउंट आपके हाथ में आया है वो बिना कट के है, राइट। जब भी किसी वैल्यू के ऊपर कोई कट नहीं किया गया हो तो उसे हम ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। डोमेस्टिक घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, राइट। आपके बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, राइट, उसे जीडीपी कहते हैं। सो डोमेस्टिक मीन्स द बाउंड्री ऑफ योर कंट्री, राइट। सो प्रोडक्शन मीन्स एनी प्रोड्यूस, इट कैन बी गुड्स और सर्विसेज, ओके। जो प्रोडक्शन में गुड्स भी होते हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें, और इसमें सर्विसेज भी होते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं दैट कैन बी गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, राइट। अब ऐसा क्यों है, आप देखो प्रोडक्शन में इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत ऊपर है, राइट। आईटी सेक्टर में बहुत आगे है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। तो आईटी सेक्टर में जो हमारे लोग बाहर जाके सर्विसेज देते हैं तो वो प्रोडक्शन ही है ना बॉस, वो पैसा कहाँ पर आ रहा है, इंडिया में ही आ रहा है, राइट। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ही कहते हैं, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है ये, ओके।
बस यहाँ पर समझने वाली बात ये है जीडीपी के मामले में। देखो जीडीपी बोलते किसको है, ओके कैसे हम बोलेंगे कि ये जीडीपी है, उसके लिए मैं एक मैप बनाता हूँ। आई एम सॉरी अगर ये मैप बहुत बकवास सा बने, कोशिश करूँगा। ओके ये इंडिया है। अब एक बात तो श्योर है, राइट? इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, राइट? वहाँ पर इंडियन कंपनी भी होंगी, है ना? यूएस की कंपनी भी होगी, फ्रांस की कंपनी भी होगी, जापान की कंपनी भी होगी, साउथ कोरिया की कंपनी भी होगी, ठीक है? और वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की कंपनी भी होगी, वेनेजुएला की कंपनी भी होगी, एग्जाम्पल, राइट? और साउथ अफ्रीका की कंपनी भी होगी, है ना? किसी भी देश में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज काम करती है, उनका नेशन बहुत डिफरेंट हो सकता है। ओके तो यहाँ पर इतना कंफ्यूजन वाला गेम नहीं है ये, ओके? बट आप देखो ये सारी जो कंपनीज है ये प्रोडक्शन कहाँ पर कर रही है बॉस? ये किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, राइट? अब एक बात यहाँ पर याद रखना, अगर कोई भी कंट्री प्रोडक्शन कर रही हो किसी भी देश के बाउंड्री के अंदर, है ना, तो इस बाउंड्री को इकोनॉमिक टर्म में क्या कहेंगे? इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ नेशन, या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ नेशन। ये किसी भी देश की इकोनॉमिक टेरिटरी होती है, और इकोनॉमिक टेरिटरी किस कंटेक्स्ट में बोला जाता है? वहां पर देखा जाता है कि वो पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है कि नहीं, ठीक है? वो पॉलिटिकली कंट्रोल्ड होनी चाहिए, ओके? किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री के द्वारा अगर वो पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है, दैट मींस कि वो इकोनॉमिक टेरिटरी है किसी भी नेशन की। इसका एक क्लियर एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। हमको पता है कि हमारे देश में इतना एरिया जो है वो पानी के अराउंड है, राइट? राइट, यहाँ पर हर जगह पानी भरा है ना? बट इंडिया की बाउंड्री ना इतनी होगी बॉस, जो ये जो जो मैंने ये डाला है, राइट? ये एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री होती है किसी भी कंट्री की, ओके? हाइपोथेटिकल बाउंड्री। अब ये जो हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज है इसको भी इकोनॉमिकल टेरिटरी ऑफ नेशन बोला जाता है। इकोनॉमिकल टेरिटरी ऑफ नेशन कैसे? अब याद रखना ये जो हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स इन, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स इतना, राइट? ये जो एरिया है ये भी इंडिया का अपना इकोनॉमिक टेरिटरी है, राइट? सो इंडिया यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन कर रहा होगा, राइट? मान लो कि यहाँ से कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कर रहा है, यहाँ से कुछ गोल्ड निकाल रहा है, यहाँ पर कुछ शिप यार्ड है ना, कुछ ऐसे हैं। सो यहाँ से भी जो जो इनकम हो रहा होगा उसको भी हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ का तो है ही, पर बाहर का भी, अगर यहाँ पर मान लो कि कोई मलेशियन किसी किसी मलेशिया का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, है ना, तो उनका भी जीडीपी में, अगर ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, उनका भी इंडियन जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। उस प्रोडक्शन को भी हमारे बाउंड्री के अंदर माना जाएगा, राइट? तो याद रखना
किसी सी के अंदर अगर कोई भी कोस्ट लाइन है किसी भी कंट्री का, जिसको पेनिनसुला कहा जाता है, अगर पेनिनसुला किसी भी कंट्री के आसपास है तो वहाँ पर जो समंदर होगा, जैसे ये इंडियन ओशन है, सो इंडियन ओशन के 200 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया की ही बाउंड्री होती है, उसके बाहर जाके इंटरनेशनल वाटर शुरू होती है और वहीं से ही इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी शुरू होती है, आफ्टर आफ्टर 200 माइल तब शुरू होता है इंटरनेशनल ट्रीटी। ओके, तब जाके इंटरनेशनल ट्रीटी शुरू होती है यहाँ से। तो जीडीपी का मतलब क्या है? अगर आपके बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा हो, उस प्रोडक्शन को मान लो कि इन सब ने मिलके कितना प्रोडक्शन करा है, 100 यूनिट्स। ओके, और इनकी वैल्यू मैं मान देता हूँ 10 रुपीज़। ठीक है, हाइपोथेटिकल स्पीकिंग। ओके, वैसे तो वैल्यू सबकी अलग रहती है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। मान लो कि 10 रुपीज़ मान के चल रहे हैं हम। ओके, सो अल्टीमेटली जो जीडीपी आती है इंडिया की कितनी होगी? 1000 रुपीज़, राइट? बोलने का मतलब क्या है, जितना भी प्रोडक्शन होता है पर ईयर, उसको अगर हम कन्वर्ट कर दें इन वैल्यू, तो वो होता है जीडीपी। क्लियर? आई एम श्योर यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ बोल सकते हैं कि इसके मतलब जीडीपी के अंदर आती क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जीडीपी के अंदर आएगी। जैसे मान लो कि जो प्रोडक्शन है वो तो है ही, जो प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर वो तो है ना। इसके अलावा मान लो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुना होगा कि रशिया ने इंडिया को कहा कि अपनी कंपनीज को वहाँ पर भेजो और वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो पैसा रशिया का बनता है उसे मिलेगा और बाकी तेल बेच के इंडियन कंपनी पैसा कमाएगी। तो वहाँ पर जाके जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन भी इंडिया का ही माना जाएगा, राइट? इसके अलावा जैसे मान लो एयरक्राफ्ट्स है ना, और शिप्स है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये भी तो डिफरेंट कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, बट वहाँ पर सर्विसेज से जो भी जनरेट होगा वो भी इंडियन जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होगा, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एम्बेसी, मान लो एम्बेसी कोई भी आर्टिकल बेचती है किसी भी डिफरेंट कंट्री में, है ना, एम्बेसी की जो भी सेलिंग्स होते हैं, अगर एम्बेसी किसी भी दूसरे कंट्री में अगर कुछ भी आर्टिकल बेचती है, उससे जो भी पैसा जनरेट होता है उसे भी हमारे जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। ओके, सो यहां पर फर्स्ट हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी देखो, एग्जांपल लेते हैं ना, मान लो कि कोई एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री एप्पल प्रोड्यूस कर रही है, सो वो एप्पल प्रोड्यूस क्यों कर रही है? क्योंकि उससे उसको प्राइस मिलेगा, है ना। अब प्राइस क्यों मिलेगा? क्योंकि डिमांड होगी, है ना। अब अगर प्राइस मिल रहा है, डिमांड है, दैट मींस कि उसकी जो वैल्यू साल के बाद आएगी वो क्या कहलाएगी? जीडीपी, जो कि जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ना। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं 2010 में इस प्राइस का
इस एप्पल का प्राइस चल रहा था 50 रुपीज़ पर के जी, पर के जी। सो डिमांड मान लो 2 केजीज का डिमांड था, तो ओवरऑल जीडीपी में कितना पंपिंग हुआ बॉस? तो 100 रुपीज़ ओवरऑल जीडीपी में आएगी नहीं भाई। सो वैसे ही हम मान लेते हैं 2011 में क्या होगा, ठीक है, एक साल का ये हुआ। और सेकंड में मान लो कि किसी भी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है यहाँ पर, है ना, इन्फ्लेशन हिट करती है। अब जब इन्फ्लेशन हिट करेगी तो मैं मान रहा हूँ कि ये प्राइस इसका बढ़ गया और ये हो गया 100 रुपीज़ पर केजी। बट अच्छा, प्राइस और डिमांड का अपोजिट रिलेशन होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा भाई, गिरेगा। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि डिमांड गिर गया और 1 केजी डिमांड रह गया, राइट। तो ओवरऑल वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? ओवरऑल वैल्यू तो 100 रुपीज़ ही दिख रहा है अभी भी, राइट। बट यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट को कैसे हम डिनाई करें कि यहाँ पर ये 50 रुपये का प्राइस था पहले, अब ये बढ़ गया, तो डैट मीन्स कि ये प्राइस अपने आप में इंक्रीज हुआ है और डिमांड अपने आप में डिक्रीज हुई है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है इन्फ्लेशन है, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ी है। इन्फ्लेशन क्या हुआ है? बढ़ा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ा है बट यहाँ ओवरऑल जीडीपी के अंदर तो कुछ और कहानी बता रहे हैं, है ना। यहाँ पर ओवरऑल जीडीपी को देखो, ठीक है, ओवरऑल जीडीपी तो कुछ और कहानी बता रहा है। जीडीपी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी 100 रुपीज़ है और यहाँ पर भी 100 रुपीज़ है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन कोई बढ़ा घटा नहीं है, जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं कैलकुलेट हुआ है ना। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा हो जहाँ पर इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी जीडीपी आपको बराबर नज़र आ रही है, तो वो केस है केस ऑफ इन्फ्लेशन और नॉमिनल जीडीपी, याद रखना, याद रखना, नॉमिनल जीडीपी में जो इन्फ्लेशन होता है, नॉट इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया होता है, राइट। और यही सबसे बड़ा कारण बनता है कि वो फॉल्स रीडिंग देता है ना। कुछ तो फॉल्स रीडिंग है ना यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब ऐसा कैलकुलेट, जब साल के बाद इसको कैलकुलेट किया जाएगा, यार जीडीपी तो बराबर है बट यहाँ प्राइस तो इंक्रीज हुआ है ना, बहुत डिमांड तो गिरी है। वो देखेंगे मार्केट में जो भी प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, इंडस्ट्रीज कम प्रोडक्शन कर रही है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड बनी नहीं रही है, राइट। कुछ तो गड़बड़ है। जब ये गड़बड़ पकड़ी जाएगी तब चेक किया जाता है रियल जीडीपी, ओके। तो ये गड़बड़ क्या है वो पता चलता है रियल जीडीपी से, ओके। सो रियल जीडीपी क्या है? जैसे हमने देखा प्राइस डिमांड और जीडीपी, ओके। हम 2010 का एग्जांपल ले रहे थे, 2010 में 50 रुपये था और डिमांड था 2 केजी, ठीक है, और ओवरऑल हो रहा था 100 रुपीज़ पंपिंग जीडीपी में। और 2011 में यहाँ पर हमने क्या किया था? 100 रुपीज़ डाला था नहीं कि, ओके। और डिमांड गिरकर 1 केजी हो गया था और ओवरऑल 100 दिखा रहा था। अब यहाँ पर जो गेम है वो यहाँ है, जो रियल जीडीपी होता है उसमें हमेशा
इन्फ्लेशन हमेशा एडजस्टेड होता है। ओके अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है तो यहाँ पर तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है बेस ईयर प्राइस का। ओके याद रखना जब भी रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा वो हमेशा किया जाता है विद द बेस ईयर प्राइस। अब होता क्या है कि रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए ना किसी भी एक साल को बेस ईयर मान लिया जाएगा। तो मान लो कि हमने यहाँ पर बेस ईयर माना है 2010 को, ये हुआ बेस ईयर। हमेशा याद रखना जो प्राइस उठाया जाता है वो बेस ईयर से उठाया जाता है और जो क्वांटिटी उठाई जाती है वो हमेशा करंट ईयर से। जो क्वांटिटी उठाई जाती है वो करंट ईयर से और बेस जो प्राइस उठाया जाता है बेस ईयर से। तो 2011 में जो प्राइस है वो ये नहीं कैलकुलेट होगा, क्या होगा प्राइस 85 रुपये कैलकुलेट किया जाएगा जो बेस ईयर का है। अब 2010 हो 2011 हो 12 हो 13 हो 14 हो, मान लो कि ये 2021 का डाटा है, राइट ये 2021 का डाटा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा बीच में बहुत सारे वैल्यूज ऐसे बढ़ कम रहे होंगे, बट सेकंड में जब हम 2021 में इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस तो हम यही कैलकुलेट करेंगे 50 रुपये जो बेस ईयर माना है, राइट। सो एक तो यहाँ पर क्या हुआ 100 नहीं है, ये है 50 रुपीज़ पर किलो, राइट। तो यहाँ पर अब हमको ये नज़र आया कि यहाँ पर कुछ डिक्लाइन है, राइट यहाँ पर कुछ डिक्लाइन है, दैट मीन्स कि क्या हुआ है जीडीपी गिरी है, जीडीपी डाउन हुई है और इन्फ्लेशन बढ़ा है। ओके ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, समझ में आ गया अभी। ओके एक बार इसको देख लेना और जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। ओके ये हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्लेटर। यार पेन को क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्लेटर। ओके अब डिफ्लेटर क्या होता है, डिफ्लेटर को समझो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे लास्ट कैलकुलेशन में हमने क्या देखा था, लास्ट कैलकुलेशन में हमने देखा जो नॉमिनल जीडीपी है नॉमिनल जीडीपी जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में एनजीडीपी कहेंगे वो था 100 रुपीज, और जो रियल जीडीपी निकला वो निकला 50 रुपये। ओके अब डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये याद रखना। डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ओके जैसे नॉमिनल जीडीपी क्या था,
इज इक्वल टू 100 और रियल जीडीपी इज इक्वल टू 50। टू टाइम्स इन्फ्लेशन बढ़ा है, ओके, टू टाइम इन्फ्लेशन बढ़ा है और टू टाइम्स ही जीडीपी गिरा है, ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है डिफिलेटर। अब डिफिलेटर के लिए एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इकोनॉमिक टर्म में कहा जाता है डिफिलेटर इज मोस्ट डिफिलेटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑनेस्ट इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज कंट्रीज जीडीपी। डिफिलेटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑनेस्ट इंडिकेटर ऑफ द कंट्री, ठीक है। किसी भी कंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट और ऑनेस्ट इंडिकेशन देता है डिफिलेटर, राइट। तो डिफिलेटर का इस्तेमाल साल में सिर्फ 2 या फिर 3 टाइम्स किया जाता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन लगती है। मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करने के लिए मोस्ट कैलकुलेशन होता है, तो ओवरऑल ये नेचर में बहुत हार्ड होता है, या फिर बोल सकते हैं डिफिकल्ट होता है, राइट। सो इसको सिर्फ साल में 1 या फिर 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो आई एम श्योर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। थोड़ा मुझे पैड में पेन चलाने में भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि नया नया है पैड, सो मुझे इस पर हाथ बैठा नहीं पहले। सो जैसे विद द टाइमिंग मैं एडजस्ट हो जाऊँगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ओके। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, और ये वीडियो शेयर करो, और नोट्स ज़रूर मेंटेन करना बॉस, नोट्स मेंटेन करके ही फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।